एक्सीडेंट हो गया, उन्हें खून की जरूरत है और तुम्हारे अलावा उन्हें और कोई नहीं बचा सकता। मैं तुम्हारे गीत गीत प्लीज ऐसा मत कर, मैं ब्रुकलिन खून दूंगा। लेकिन एक शर्त है मेरी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी देव कि तुम मौके का फायदा जरूर उठाओगे, मगर मेरे लिए मान की जिंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं। मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर, बस बस मान को बचा लो। क्या आप मिस्टर खुराना के लिए ब्लड डोनेट करने आए हैं? जी हाँ। सिस्टर इन्हें जल्दी से पैथ लैब लेके चलो और तुम ऑपरेशन की सारी तैयारियां शुरू कर दो, प्लीज मेक इट फास्ट। ओके जी सर, आइए। गीत ने सब कुछ बदल दिया है, मुझे बदल दिया है। जब से उससे मिला हूं ऐसा लग रहा है जैसे सारी खुशियां वापस मिल गई। गीत ने जो कुछ भी कहा है वो सब सच है। मुझे नहीं पता था कि जिस लड़की की जिंदगी मैंने बर्बाद की वो एक दिन आपकी जिंदगी बन जाएगी। उसके बाद जिंदगी की सारी खुशियां ले लीजिए, मगर मेरी मां को बचा लीजिए प्लीज। कॉन्ग्रेट्स, सर्जरी कामयाब रही, आपके पति अब खतरे से बाहर हैं। सॉरी मिसेस खुराना, अभी हम उन्हें ओटी से वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं, आप उन्हें थोड़ी देर बाद मिल सकती हैं।
मालिका? यस मैम। अभी अभी जिन्होंने मान को खून दिया वो कहाँ गए? वो अभी अभी बाहर गए हैं। तुम्हारी मदद के लिए मैं एहसान मत हूं। मैंने कोई एहसान नहीं किया था। मैं जानती हूं तुम्हारी शर्त, तुमने बताई नहीं तुम्हारी शर्त। देव, राका तुम लोग यहां क्यों आए हो? मैंने कहा था मुझे और तमाशा नहीं चाहिए। इस वक्त तो हमारे साथ चल रहा है, चल। मिसेस खुराना, आपकी दादी आई हैं, वो आपका इंतजार कर रही हैं। दादी माँ गए? हाँ। चलिए दादी माँ। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। बस बता रही थी कि ऑपरेशन कामयाब रहा। हम जानते थे अगर आप मान के साथ हैं तो मान को कुछ नहीं हो सकता। हमें तो यकीन था बेटा, हालत चाहे जितनी भी सख्त हो आप लड़ेंगी। और अगर आज मान सही सलामत है ना, तो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से, आपके प्यार की वजह से। नहीं दादी मां, मैंने कुछ भी नहीं किया, सब कुछ मेरे पापा जी ने किया। पापा जी उन्हीं लोगों की मदद करते हैं जो कोशिश करते हैं बेटा। हाँ गीत, ये तुम्हारा प्यार और विश्वास ही है जो मानसर को आज एक नई जिंदगी मिली, और इसलिए तो बाबा जी ने आपकी मदद की बेटे। दादी मां, गीत मैं जरा डॉक्टर से मिल के आता हूं। गीत बेटा, हमें उस फरिश्ते से तो मिला दीजिए जिन्होंने मान को खून दिया है, जिन्होंने हमारे बेटे को नई जिंदगी दी है। कम से कम हम उनका शुक्रिया अदा तो कर सकते हैं। कौन है वो? देव, क्या ये आप क्या कह रही हैं? देव ने मान को खून दिया, लेकिन वो यहाँ हो कैसे सकते? जिस होटल में हम रुके थे देव वहां का मैनेजर है, और जब हमें पता चला कि वो वहां का मैनेजर है, हम वहां से निकल गए दिल्ली आने के लिए। और रास्ते में मां का एक्सीडेंट हो गया। देखा जाए तो देव का आप दोनों से मिलना अच्छा ही, लेकिन बेटा हमें इस बात की भी खुशी है कि देव ने सही फैसला लिया है। वो तो शुरू से ही मान की बहुत इज्जत और मान से बहुत प्यार करते थे। हाँ बेटा, नयनतारा के साथ मिलकर उन्होंने गुनाह किया है, वो माफी के लायक नहीं है। लेकिन अगर एक गुनहगार एक अच्छा काम करता है तो उसे भी तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता ना बेटे। देव है कहाँ? दादी माँ, वो तो चला गया। मिसेस खुराना, आपके पति को होश आ गया है। चलिए दादी। हाँ बेटे, एनी का फोन है,
आप जाइए मान के पास, हम एनी से बात करके आते। दादी मैं जल्दी आइएगा। हेलो एनी बेटे, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी हालत मेरी वजह से हुई। आप जो सजा दोगे मुझे मंजूर है। और तुम्हारी वजह से मैं ठीक भी हो गया। मुझे पता था गीत कि तुम मुझे कुछ नहीं होने दोगी। मिसेस खुराना प्लीज आप पेशेंट से ज्यादा बातें मत कीजिए, ये अभी भी वीक हैं। आप प्लीज जरा बाहर जाएंगी, मुझे इनकी कुछ ऑब्जर्वेशंस लेनी है। आप बहुत लकी हैं मिस्टर खुराना, आपकी वाइफ ने आपको एक और नई जिंदगी दी है। वो आपसे बहुत प्यार करती हैं। अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुए और शरारतें शुरू हो गई। ये क्या किया आपने बेटे? हमारी तो जान ही निकल गई थी। दोबारा ऐसे मत करिएगा।
वरना हम तो मर ही जाएंगे। फातिमा की देना जब मेरी जान मुश्किल में होगी तो हमेशा कीत मेरी जान बचा लिया करेगी। मैंने क्या किया अरमान? बचाया तो आपको देव ने, अब तक तो आपसे सच छुपा हुआ है, लेकिन जब आपको पता चलेगा कि मैंने देव से मदद मांगी थी, कि उसने आपको खून दिया, तब क्या होगा? मैं ब्रोकली खून दूंगा, मैं ब्रोकली खून दूंगा, लेकिन एक शर्त है, लेकिन एक शर्त है, लेकिन एक शर्त है। और अभी तो मैं ये भी नहीं जानती कि देव किस शर्त पे हमारी मदद।